इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा जनपद से सामने आ रही है। आपको बता दें, एक साथ कोरोना के 7 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मथुरा जनपद में कोरोना की कुल संख्या 46 पर पहुंच गई है। ये जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी गंभीर विषय है। एक दिन में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर 7 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या मथुरा जनपद में 46 पहुँच गई है। सुबह 5 मामले सामने आए थे, जिसके बाद देर शाम को 2 और मामले सामने आए हैं। निजी हॉस्पिटल संचालक और उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद ये संख्या 46 तक पहुंच गई है। ये बेहद ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। लगातार जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सौरभ सिसोदिया जुड़ चुके हैं। सौरभ, बताएं आज के कितने मामले हैं कोरोना के? यानी मैं बता दूं, मथुरा में शनिवार के दिन टोटल 7 मामले निकल कर आए हैं, जिनमें से जो अभी ताजा मामले निकल कर आए हैं वो कोसी कला के लाइफलाइन हॉस्पिटल से आया है, जिसमें की वहाँ के संचालक अनुराग अग्रवाल व उनकी पत्नी सीमा अग्रवाल को की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि उन्होंने प्राइवेट 7 लैब से अपनी रिपोर्ट टेस्ट कराई थी, जिसके बाद की दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल मिलाकर इस तरह मथुरा में 46 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। कितना गंभीर मामला माना जाए इसे, जिस तरीके से एक हॉस्पिटल संचालक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, वहाँ कितने लोगों का इलाज हुआ हो, कितने लोगों के टच में आए होंगे, क्या मानना है? यहाँ स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही लापरवाही देखने को मिल रही है कि यहाँ पहले से टेस्ट रिपोर्ट नहीं कराई गई थी, जिसके बाद भी डॉक्टर ने व उनकी पत्नी ने अनेकों मरीजों को देखा है। इस तरह हम लगा सकते हैं कि कोरोना पता नहीं कहाँ कहाँ से डाइवर्ट हुआ होगा, संक्रमित हुआ होगा। इस तरह मथुरा में यहाँ से आगे बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है। अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन क्या कुछ कवायद कर रहा है इसको लेकर के? स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल को सील करने की तैयारी कर ली गई है, वहीं डॉक्टर व उनकी पत्नी को आइसोलेट करने की तैयारियां में लगा हुआ है। तमाम जानकारी देने के लिए सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे ताजा जानकारी लेते रहेंगे।